आज के वीडियो में एक दिव्य प्रयोग बता रही हूँ। उबटन तो आप लगाते ही हैं, लेकिन उबटन में भी एक खास चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप नहाते समय इसका लेप पूरे शरीर पर लगा लेंगे तो हर कोई आपके वश में हो जाएगा, हर कोई आपकी बोली बोलने लगेगा, हर कोई आपके हिसाब से काम करने लगेगा। ये आपके अंदर ऐसा चमत्कृत कर देने वाला आकर्षण पैदा करेगा। तो आज बता रही हूँ उबटन के द्वारा वशीकरण कैसे किया जाए, या उबटन के द्वारा अपने अंदर कैसा आकर्षण पैदा किया जाए कि लोग आपको देखें तो देखते ही रह जाएं, मुड़ मुड़ कर देखें, आपके बारे में पूछें, अरे भाई ये कौन है। जी हाँ, तो सुंदरता जो है सिर्फ ऊपर की वस्तु नहीं होती, ये जो उबटन है ये आपके अंदर मानसिक शक्तियों को जागृत करेगा, जिसकी वजह से आपका जो तेजोमय स्वरूप है वो लोगों के सामने आएगा। क्योंकि ऊपरी दिखावा जो चेहरे की सुंदरता, ये तो क्षण भर की होती है, लेकिन अगर जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ है, जो भीतर से मजबूत है, उसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होना चाहता है। वशीकरण इसी को बोलते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आज एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आपको लेना बनाना है एक उबटन, और उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आइए बताती हूँ आपको। यदि मिल जाए पंसारियों की दुकान पर तो भांग का पत्ता होता है वो ले लीजिए, और थोड़ा सा आपको लेना है सफ़ेद सरसों। अगर आपको भांग का पत्ता नहीं मिलता है तो आप घर में उगने वाले ऐसे पत्ते को ले सकते हैं जो कि शरीर में, जैसे स्पेशली जो हम फ्रूट्स वगैरह के काम में लेते हैं, जिसमें फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, जैसे कि आप चाहें तो आम का पत्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो अमरूद का पत्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो नींबू के पेड़ का भी पत्ता ले सकते हैं, लेकिन जो असली असर है वो भांग के पत्ते का ही शास्त्रों में बताया गया है। तो भांग का पत्ता और सफ़ेद सरसों थोड़ी मात्रा में लेकर उसका पेस्ट बना लीजिए। उसमें फिर चाहें तो आप बेसन है या दाल है कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। वीक में एक बार इस उबटन को पूरे शरीर पर लगाएं और मानसिक जाप करें परमात्मा का, अपने इष्ट देव का, सभी नदियों का आवाहन नहाने के जल में करें। उसके बाद आपके शरीर में एक ऐसा आकर्षण पैदा हो जाएगा, आपकी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए मैं कुछ चीज़ बोलूँगी, शराब नहीं, मांसाहार नहीं, स्त्रियों के प्रति गंदा दृष्टिकोण नहीं, और जो स्त्रियां हैं वो पर पुरुषों के प्रति गंदा दृष्टिकोण ना रखें, अपने जीवन साथी को कभी धोखा ना देवें, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। अगर जो भी व्यक्ति गलत ट्रैक पर चलेगा तो मेरे प्रयोग उस पर काम नहीं करेंगे।